अब बंजर जमीन को उपजाऊ बनाया जाएगा और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए फॉर्मूला तैयार किया गया है। विदेश से मंगवाई गई मिट्टी से खाद तैयार किया जाएगा, जिसको लेकर चरखी दादरी में पहला बायोडायनेमिक कन्वर्टर पीडीसी प्लांट स्थापित किया गया है। एक रिपोर्ट आप देखिए। डीएपी खाद से मिलेगी मुक्ति, विदेशी तकनीकी से लहराएगी खेती। विदेश से मंगवाई गई विशेष प्रकार की मिट्टी अब बंजर जमीन को उपजाऊ बनाया जाएगा। इस जमीन पर अब फसल लहराएगी। पानी की कमी से जहां जमीनें बंजर होती जा रही हैं, वहीं वैज्ञानिकों ने जमीन को उपजाऊ बनाने का फॉर्मूला तैयार कर लिया है। बंजर जमीन को विदेशी तकनीक से तैयार होने वाली बायो ऑर्गेनिक खाद से लहराया जाएगा। खाद तैयार करने के लिए विदेश से विशेष प्रकार की मिट्टी मंगवाई गई है। तो देश का पहला बायोडायनेमिक कन्वर्टर बीडीसी प्लांट हरियाणा के चरखी दादरी में स्थापित हुआ है। मुंबई के युवाओं के द्वारा तैयार होने वाली खाद पूर्ण रूप से बायो ऑर्गेनिक खाद होगी। इस खाद से फसलों की पैदावार बढ़ेगी और किसानों पर अतिरिक्त बोझ भी नहीं पड़ेगा। वहीं लोगों को रसायन मुक्त उत्पाद मिल सकेंगे। इस प्लांट में जैविक खाद बनाने के लिए पराली का भी प्रयोग किया जाएगा। ऐसे में किसानों से पराली भी खरीदा जाएगा, जिससे पराली जलाने की समस्या का समाधान भी होगा। वहीं गौशालाओं में आय की वृद्धि होगी और बंजर जमीन उपजाऊ हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। भिवानी में पेयजल की भारी कमी है, क्योंकि जलघर खाली पड़ा हुआ है। जल में पानी 13 मई तक पहुंचेगा और पानी को लेकर के 3 दिन लोगों के लिए काफी भारी रहने वाले हैं। एक रिपोर्ट आप देखिए। 3 दिन लोगों के लिए भारी, क्योंकि जलघर है खाली। 13 मई तक पहुंचेगा पानी। भिवानी में पानी की किल्लत से लोग परेशान हैं। 3 दिन भिवानी वासियों के लिए भारी हैं, क्योंकि जलघर पूरी तरह से खाली है। शहर की एक तिहाई आबादी को महम रोड स्थित पुराने जलघर से पेयजल उपलब्ध करवाया जाता है, लेकिन अब जलघर में नाम मात्र का पानी रह गया है और ट्यूबवेल और रोहतक रोड स्थित निनाड जलघर से वैकल्पिक व्यवस्था करके थोड़ा बहुत पानी शहरवासियों को दिया जा रहा है। माना जा रहा है कि जलघर में 13 मई तक पानी पहुंचेगा। जलघर में जो पानी बचा है वो खत्म होने की कगार पर है। ऐसे में पुराने जलघर से जुड़ी 2 दर्जन कॉलोनियों में पानी की भारी किल्लत है। विभाग की ओर से कई जगह तो टैंकरों से पानी मुहैया करवाया जा रहा है, लेकिन पानी की आपूर्ति के लिए कॉलोनी वासियों के लिए इतना काफी नहीं है। जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने पानी की कमी को देखते हुए पहले ही पानी की राशनिंग कर रखी है, लेकिन ताजा हालात ने उनका भी गणित गड़बड़ा दिया है। नहरों में आमतौर पर 32 दिन तक पानी आता है, लेकिन अब की बार 34 दिन बाद ही पानी मिलने की उम्मीद है। यहाँ भीषण गर्मी के चलते पानी की खपत भी बढ़ चुकी है। वहीं पानी की कमी लोगों के लिए आफत बनाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा।